फ्रेंड्स री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में लेफ्टओवर पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने पाव के छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी ले ली है, लाल मिर्ची और नमक ले लिया है। ये मैंने सब्जियाँ ली हैं चॉप करके, कैप्सिकम, पत्ता गोभी और ऑनियन लिया है मैंने। और मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने सेज़वान चटनी ली है। जब भी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे पाव बच जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और ये सेज़वान पाव की रेसिपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई और जीरा डाल देते हैं। इसमें हम सब्जियाँ डाल देंगे, इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाए तो साथ में लेके जा सकते हैं बना के सफर में। तब हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी कुक हो गई है, तो इसके अंदर मैं ये हल्दी, लाल मिर्ची और नमक डाल देती हूँ। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने इसमें भी 1 टेबल स्पून सेज़वान चटनी डाल दी। चटनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे पाव को इसके अंदर डाल देंगे, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनके रेडी हो गई है और ये पाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।